बिल्कुल आसानी से कम खर्च में सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे मेयोनीज, आसान तरीके से घर पे बन जाती है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप मेयोनीज बनाने का ये तरीका देख लीजिए, इसके बाद हर बार आप इसी तरीके से बनाओगे, और साथ ही में हम अलग अलग फ्लेवर में से बनाएंगे ताकि आप कोई भी फ्लेवर की मेयोनीज घर पे ही बना सकोगे। तो सबसे पहले मेयोनीज बनाने के लिए हम 1/2 कप दूध लेंगे। यहाँ पे जो आप दूध ले रहे हो वो आपको खास ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, जो बर्फ़ हो जाए उससे पहले का जो दूध है वो टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, ये जो दूध है बहुत ही ठंडा है, ऑलमोस्ट अब इसका बर्फ़ होने ही वाला है, उतना ठंडा है। अभी इसमें हम 1 टीस्पून पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। इसमें हमें 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर मिलाना है। अभी ये आप घर पे आसानी से बना सकते हो। ये जो काली वाली राई आती है उसे मैंने हल्का सा पीस लिया है, तो इसे मस्टर्ड पाउडर हो जाएगा। अगर आपके पास पीले वाली सरसों है तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ये सबके घर पे होती है तो मैंने अभी ये लिया है। तो ये हम 1/4 टीस्पून मिलाएंगे। अभी इसमें 1/2 टीस्पून नमक मिलाना है। यहाँ पे मेजरमेंट आपको खास ध्यान रखना है, और जितनी भी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो सारी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें हम 1 टीस्पून विनेगर मिलाएंगे। तो ये रेगुलर व्हाइट विनेगर है, विनेगर की जगह पे आप नींबू का रस भी ले सकते हो, लेकिन विनेगर से आपको बिल्कुल मार्केट वाला रिजल्ट मिलेगा। अभी एक हैंड ब्लेंडर लेना है और इसे हम चर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप तेल लिया है। ये जो तेल है वो आपको फ्लेवरलेस लेना है, यानी कि इसमें कोई भी स्वाद या सुगंध नहीं होना चाहिए, और मेयोनीज में तेल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और हैंड ब्लेंडर चलाते जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ही साथ में सारा तेल नहीं डालना है। तो अभी आपको पता चलेगा कि जो मेयोनीज आप बाजार से लाते हो उसमें बहुत सारा तेल होता है। दूध हमने जो लिया है उससे भी डबल हमने तेल लिया है। अभी आप देख सकते हो ये जो मिश्रण है वो गाढ़ा होने लग गया है। बाकी का जो तेल है वो हम सारा डाल देंगे। अभी आप देख सकते हो इसमें हैंड ब्लेंडर भी ठीक से नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, एकदम बढ़िया मेयोनीज तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से मेयोनीज तैयार हो गई। इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल आपको बाजार वाला ही मिलेगा। अब इसमें से हम अलग अलग फ्लेवर वाले मेयोनीज तैयार करेंगे, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब ये जो मेयोनीज है उसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया ये गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें मेयोनीज चाहिए। तो ये आपकी प्लेन मेयोनीज हो गई। अब इसमें हम अलग अलग फ्लेवर देंगे। अभी सबसे पहले हम मिंट मेयोनीज बनाएंगे। तो यहाँ पे जो सैंडविच की हमारी चटनी बनाते हैं मैंने वही ली है जो हरे धनिया और पुदीने से बनाते हैं। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट की थी, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो ये हम 1 टीस्पून जितनी मिलाएंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है, ये जो चटनी आप डालते हो वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो मेयोनीज है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। ये देखिए, एकदम बढ़िया मिंट मेयोनीज तैयार है। अभी हम जो बर्गर पे लगाते हैं वो मेयोनीज बनाएंगे। तो 1 टीस्पून टोमेटो केचप लेंगे, इसी के साथ 1 टीस्पून रेड चिली सॉस लेना है, 1/4 टीस्पून इसमें हनी मिलाएंगे। अभी इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये लीजिए, बर्गर वाली मेयोनीज भी तैयार है। अभी हम बनाएंगे चिपोटले मेयोनीज। तो इसे भी आप बहुत सारे रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। आप सैंडविच में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सलाद में कर सकते हो, या फिर डिप की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें हम 1/2 टीस्पून लहसुन मिलाएंगे। नॉर्मल इसमें गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको आसानी से बता रहा हूँ कि आपके पास जो अवेलेबल इन्ग्रीडियंट्स हो उसे आप आसानी से बना सको। तो यहाँ पर मैंने 3 लहसुन की कली ली थी, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो बारीक काट के भी इसे डाल सकते हो। इसमें हम 1/4 टीस्पून ओरेगानो मिलाएंगे, इसी के साथ 1 टेबलस्पून इसमें हम टोमेटो केचप मिलाएंगे, इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिली सॉस मिलाएंगे, साथ ही में 1/2 टीस्पून व्हाइट विनेगर मिलाना है, 1/4 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये लीजिए, एकदम बढ़िया हमारी चिपोटले मेयोनीज भी तैयार है।